सावरकर का बलिदान एक प्रतीक अपमान बर्दाश्त नहीं, राहुल के बयान पर उद्धव की दो टूक। मैं माफी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के इस बयान पर शिवसेना यूबीटी के चीफ उद्धव ठाकरे ने गुस्सा जाहिर किया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि हम सावरकर को अपना आदर्श मानते हैं, उनका बलिदान एक प्रतीक है, इसलिए हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठाकरे ने राहुल को नसीहत देते हुए कहा कि उन्हें सावरकर का अपमान करने से बचना चाहिए। नासिक के मालेगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि हाँ, विकास अघाड़ी का गठबंधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए बनाया गया है, इसलिए एकजुट होकर काम करना बेहद जरूरी है। एमवीए गठबंधन में शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सावरकर के खिलाफ राहुल गांधी को उकसाने की कोशिश की जा रही है। वीडी सावरकर ने 14 सालों तक अंडमान निकोबार की जेल में यातनाएं झेली, उन्हें काले पानी की सजा मिली। उनका बलिदान देश के लिए प्रतीक है। ठाकरे ने कहा कि अगर हम इस वक्त को व्यर्थ करेंगे तो लोकतंत्र का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसा हुआ तो 2024 को लोकसभा चुनाव आखिरी चुनाव होगा। बीजेपी पर हमला करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश की आजादी से जिनका कोई सरोकार नहीं था, वह लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने सरकार से सही सवाल पूछा कि अडानी की कंपनियों में लगे 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, लेकिन सरकार से इस पर कोई जवाब नहीं बन रहा। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन किया था। उद्धव के बेटे आदित्य ठाकरे इस यात्रा में शामिल हुए थे। लोकसभा सदस्यता जाने के एक दिन बाद राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी के आरोपों पर कहा था कि मैं सावरकर नहीं गांधी हूं और गांधी किसी से माफी नहीं मांगते।